आए दिन शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिसके चलते दो दिन यानी शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू घोषित किया गया है। इस पर शहर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, इन्होंने नागरिकों का धन्यवाद किया है। शहर की जनता ने इस कर्फ्यू को काफी अच्छा प्रतिसाद दिया। पुलिस कमिश्नर उपाध्याय, इन्होंने कहा कि पूरे शहर में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किया गया है। नहीं, सबसे पहले मैं नागपुर के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार मानना चाहता हूं कि उन्होंने दो दिन के लिए जो जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया है उसका उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है। आज हमने नागपुर शहर के काफ़ी भागों में भ्रमण किया है और देखा है कि लोग रोड पर काफ़ी कम हैं, जो भी रोड पर हैं वो किसी महत्व के काम के लिए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे नागपुर शहर में जो ये संक्रमण बढ़ रहा है इसको रोकने का एक अच्छा तरीका है, कम से कम दो दिन भी लोग अलग रहेंगे और बाद में धीरे धीरे लोगों को नियम पालन करने का एक मोल्ड हो जाएगा, तो इस संक्रमण को, इस बीमारी को हम रोक सकते हैं और नागपुर को सुरक्षित रख सकते हैं। पूरे शहर में कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग लगे हुए हैं, 1 से 150 पॉइंट है हमारा, 175 गाड़ियाँ घूम रही हैं, सारे वरिष्ठ अधिकारी सारे लोग हैं और हम आज और कल हमने अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी बढ़ा दी है। कम से कम एक अधिकारी कर्मचारी 13-14 घंटे ड्यूटी करेगा, क्योंकि हमको क्राइम भी देखना है और उसके साथ ये भी देखना है। तो हम आपके लिए बाहर हैं, रोड पे खड़े हैं, घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के रिस्क ले रहे हैं, आप भी हमको सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए, आप घर में रहिए और इस संक्रमण को तोड़िए, रोकिए। जनता कर्फ्यू शहर में दो दिन के लिए रखा गया है, जिसे जनता की ओर से काफी अच्छा प्रतिसाद दिया है। साथ ही बाजार प्रतिष्ठान भी बंद है, सभी लोग घरों में हैं, साथ ही सभी अत्यावश्यक सेवाएं भी शुरू है ताकि जनता को परेशानी ना हो। आम दिनों में शनिवार को लोगों की काफी भीड़ बाजार परिसर में देखी जाती है, लेकिन जनता कर्फ्यू होने के चलते नागरिकों ने काफी अच्छा प्रतिसाद दिया है। आज जो जनता कर्फ्यू जो नागपुर में रखा गया है, जनता ने इसको अच्छा प्रतिसाद दिया हुआ है और मुख्यतः सारे बाजार प्रतिष्ठान जो है वो बंद है और जनता भी जो है केवल आवश्यक कार्यों के लिए जो बाहर निकले इक्का दुक्का उनको छोड़ के लगभग सभी लोग आज घरों में है और उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सर, एक क्वेश्चन ये भी मेरा, जैसे कि पिछली बार हुआ था एसेंशियल चीज़ें जो कि किराना और सब्जी, सर इस बार वो लोगों को बंद मिल रही है, जो लोग रोज खाते हैं रोज कमाते हैं तो वो लोगों को सामान नहीं मिल पा रहा है, इस बार में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वैसे तो पुलिस की तरफ से हम लोग प्रयास में है कि भाई जो भी जो इसेंशियल डेली नीड्स की दुकानें हैं, सब्जी है, वो चालू रखे करके, तो हम लोग अनाउंसमेंट भी उस तरह से कर रहे हैं और हम लोग अब महानगर पालिका में अगर कुछ होगा तो हम बात कर लेंगे। व्यापारियों को कैसा प्रतिसाद मिल रहा है इस दो दिन के जनता कर्फ्यू? व्यापारियों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है, जैसा आज शनिवार है, शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अब आप किसी भी शनिवार को देखेंगे तो सैटरडे जो है वीकडेज में बहुत बहुत जो हम लोग जो टालना चाहते हैं वैसा दिखाई देता था आम तौर पे शनिवार को, लेकिन आज शनिवार होते हुए भी जो है एकदम खाली है, रास्ते खाली है और दुकानें भी बंद है और लोग रास्ते पे भी लोग कम है। जनता कर्फ्यू के लिए खास पुलिस बंदोबस्त लगाया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो लगभग जो है वो 3 से 4 हज़ार की पुलिस फोर्स जो आज रोड पे है, जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी भी है, कर्मचारी भी है, RCP पतक है, SRP की मदद ली गई है, ट्रैफिक पुलिस है, क्राइम ब्रांच और जो स्पेशल ब्रांच है उनको भी आज रोड पे उतारा गया है और सभी जगह बंदोबस्त है। जिले की बॉर्डर भी हमने सील कर रखी है, तो इसलिए जो है आज अच्छा हमको बंदोबस्त, तगड़ा बंदोबस्त है। कुछ बाईलेंस में भी हमने फोर्स लगा रखी है कि इस तरह से जो यंग लड़के हैं जो इसका उल्लंघन करते हैं जनता कर्फ्यू का, तो ऐसे जो यंग लड़के जो है उन पे कुछ कार्रवाई भी की जा रही है यंग लड़कों पे।